हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ, पिवट टेबल और डेट एंड टाइम की ग्रुपिंग से रिलेटेड। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद हम बात करेंगे अपने कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि हमारे एक पुराने स्टूडेंट है। जी हाँ, आप हमारे साथ पढ़ने के बाद भी कभी भी मेरे साथ किसी तरह के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन को पा सकते हैं। तो उन्हीं के क्वेश्चन पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के आप सब कुछ शेयर कर दिया जाए, क्योंकि मैं उनको फोन पे समझा देता तो सिर्फ उनके और मेरे बीच में रह जाता, लेकिन अगर मैंने इसकी वीडियो बना दी तो आप सभी को इससे रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि डेट एंड टाइम पे थोड़ा सा हैंडलिंग करना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के ऊपर, जो हमारे एक व्यूअर है श्री शर्मा जी, उन्होंने मुझे मेल किया है। तो उनके पास एक डेटा है जिसमें डेट है, इम्प्लॉय आईडी, पंच आईडी मतलब कि इम्प्लॉय आईडी है, टाइम है और यहाँ पे पंच है कि वो पंच कितना बार वो पंच हुआ है। अब यहाँ पे वो ये देखना चाहते हैं कि एक डेट में एक इम्प्लॉय आईडी ने कितना पंच किया है और कब कब पंच किया है। तो हमने क्या किया, इसको इंसर्ट किया इसे, हालांकि इसको और चीजें भी किया जा सकता था, काउंट भी लगाया जा सकता था। तो हमने यहां पिवट टेबल पर चले आते हैं। पिवट टेबल में पंचिंग कोड हमने यहां रखा, हमने डेट इसके ऊपर रखा और इसके नीचे हमने टाइम को रखा। और फिर इसके नीचे हम वैल्यू रखते हैं, पंच काउंट होगा, थोड़ा सा बहुत बड़ा डेटा है, इसे टाइम ले रहा है। और फिर मैं इस टाइम को राइट क्लिक करता हूं और जाता हूं ग्रुप, तो इस पे ग्रुप नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा डेटा हो गया है, तो इस पे ग्रुप नहीं होगा। इसका और सोल्यूशन है, इसको मैं डिलीट करते हैं, उसके बाद दोबारा मैं इसे पिवट टेबल लगाता हूं। इस बार मैं सिर्फ टाइम को यहां रखता हूं और इसको रखने के बाद मैं यहीं पे इसको ग्रुप कर देता हूं। ओके, लग रहा है कि हमने इसे कुछ पहले से कर रखे हैं, पहले से हमने पिवट के साथ छेड़छाड़ कर रखा है। हम इसको कॉपी करते हैं और एक नई डेटा पे ले जाते हैं, वहां पे हम इसको पिवट लगाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। अब मैं यहाँ पे टाइम को रखता हूँ और इस टाइम को ग्रुप करता हूँ। कैन नोट द ग्रुप ऑन सिलेक्शन। अच्छा, कुछ टाइमिंग जो है वो टेक्स्ट में है, अब समझ में आया। हर कोई टाइमिंग जो है टाइम फॉर्मेट में नहीं है, टेक्स्ट में है, इसके लिए हम यहाँ पे इज टाइम का फॉर्मूला या टाइम वैल्यू का फॉर्मूला लगा देता हूँ। टाइम वैल्यू कन्वर्ट कर देगा टाइम, देखिए ये डेट है ही नहीं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अगर डेट होता, टाइम होता तो इसमें कन्वर्ट हो जाता, अब टाइम बन जाएगा। अब इसे फिल्टर लगा के एक बार देख लेता हूँ कि इसमें कोई एरर तो नहीं। जी हाँ, एरर है,
यही एरर होने के कारण ही ग्रुप नहीं लग रहा था। तो पहले एरर वाली वैल्यू को हम यहाँ देखते हैं क्या है। इन्होंने जो टाइम लिखा हुआ है, टाइम को टाइम फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे ही स्पेस वगैरह लगा के कर दिया हुआ है। जिसमें स्पेस है तो एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल एच करता हूँ, स्पेस को रिमूव कर लेता हूँ। अब आ गया है टाइम, मतलब अब मैं अगर फिल्टर लगाता हूँ तो इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। तो ग्रुपिंग ऐसे नहीं होती है, ग्रुपिंग में थोड़ा सा तिगड़न करना पड़ता है। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके स्पेस स्पेशल और इसमें स्किप ब्लैंक करता हूँ। सॉरी सॉरी स्पेस स्पेशल यहाँ पे वैल्यू स्किप ब्लैंक। अब इसके ऊपर हम पिवट टेबल लगाते हैं, पिवट टेबल। ओके, अब मैंने यहाँ पे टाइम को रखा, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, टाइम आ गया। राइट क्लिक करके अब मैं ग्रुप करता हूँ, ग्रुप नहीं हो रहा है। अच्छा, हमने डेटा अभी इसको नई फाइल में ले जाना पड़ेगा, जो ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसको डेटा को नई फाइल में ले आके फिर पिवट टेबल लगाना चाहिए। टाइम हमने यहाँ रखा, या टाइम बच्चे ऑटोमेटिक ग्रुप हो गया है आवरली। या अगर मैं यहाँ पे ग्रुप पे जाता हूँ तो मिनट छोड़ के मैंने आवरली ग्रुप कर दिया, और उसके बाद इस उठा के मैं इसको रो में रखता हूँ, देन डेट को यहाँ रखता हूँ, देन पंच को मैं यहाँ रखता हूँ। अब यहाँ पे मेरे काउंट आ गए। अगर डेट को भी अगर हम उठा के इस पे रख दें ऊपर में और फिर पंचिंग कोड को यहाँ रखें तो बता चल जाएगा कि कौन सा पंचिंग कोड क्या है। लेकिन डेट यहाँ रखना बुद्धिमानी नहीं होगी, डेट को फिल्टर में रख देंगे तो हम एक एक डेट का हम देख सकते हैं कि किस डेट में क्या है। या फिर पंचिंग कोड के नीचे डेट रख दें तो ये बेटर रहेगा। तो ये रिपोर्ट आपके सामने दिख रही है कि हर घंटे का जो काउंटिंग दिख रहा है, काउंटिंग आपके सामने है। अब इस काउंटिंग के ऊपर अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। मंथली रिपोर्ट भी आ गया कि पूरे डेटा में कितना बार है, हर एक पंचिंग कोड के हिसाब से आ गया। अब इसको यहाँ से मैं सुपर स्क्रिप्ट भी कर सकता हूँ, कोलैप्स एंड एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ ये आपका एक्सटेंड और कोलैप्स हो गया, ये आ गया हमारा। अब इसमें डेट चाहिए, इस पर क्लिक कीजिए कि हाँ मुझे पता चल गया कि इस डेट का कितना है। तो ये हमारा डेटा हो गया, ये हमारा रिपोर्ट हो गया। तो इस काम को हमने पिवट से इजीली निकाल लिया। अब इनसे नहीं लग रहा था पिवट, ना लगने के पीछे पिवट का ये रीजन था कि ग्रुप नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि इसने डेटा को टेक्स्ट में किया हुआ था, मतलब कि डेट को टेक्स्ट में। सेम फॉर्मेट हो तो ग्रुप लगता है, फॉर्मेट चेंज हो तो ग्रुप नहीं लगता है। यहाँ पे एक चीज सीखने को मिल गई कि ग्रुप सेम फॉर्मेट में लगता है, बाकी में नहीं लगता है। अब बाकी श्री शर्मा जी जो है समझ जाएंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फील फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं हो सकूंगा टेलीफोन पे ही आपका जवाब दे दूं। अगर टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, इंटरेस्टेड हुआ तो थोड़ा सा टाइम लेके फिर मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा कि हाँ इसको इस तरह से किया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नंबर नोट कर लीजिए। ये ऊपर हमारा नंबर है, स्काइप आईडी है, नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस फॉर एडवांस एक्सेल वीवी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टैबलू के हम क्लासेस देते हैं, साथ में हमारी पेन ड्राइव भी आती है। इन सबों के लिए मेरी वेबसाइट ibtindia.com को लॉगिन करें या फिर मुझे कॉल करें। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ में हम लोग जॉब अपडेट्स पे ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि हर दिन मैं एक नया जॉब सर्च करता हूँ किसी की ना किसी पोर्टल से या फिर मेरे कॉन्टैक्ट से, और उसकी वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दे दीजिए ताकि मेरी वीडियोज आपको अपलोड होते ही मिल जाए। तो आप जॉब से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं वा या फिर नॉर्मल एक्सेल से रिलेटेड चाहिए, आप इजिली उसको देख सकते हैं। थैंक यू।
बाय बाय।